बजट घोषणा में पाली और रोहित को पेयजल सहित चिकित्सा सुविधा देने पर पाली विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे महावीर सिंह सुकरलाई ने पाली शहर के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया है। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के संवाद। किस तरह से बजट में घोषणा हुई और किस तरह से आप खुशी जाहिर कर रहे हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं पाली की जनता के। उन्होंने ऐतिहासिक बजट पेश किया और ये केवल पाली में खुशी नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर खुशी है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि पिछले जिस दिन से बजट पेश किया आज दिन तक लगभग 1 लाख लोग बिना कहे हुए पहुंचे अशोक गहलोत जी का आभार जताने के लिए। और वहाँ पे हुजूम उमड़ रहा है, रोज 5,000-7,000 लोग मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने राजस्थान के चौमुखी विकास और जन कल्याण को समर्पित बजट पेश किया और हमें पाली में भी महत्वपूर्ण स्वागत दी। बजट के अंदर जो हमारे एक हॉस्पिटल को पहले लोग ये कहते थे कि रेफरल अस्पताल है, उसके अंदर उन्होंने आज कार्डियोलॉजी की सुविधा दे दी, उन्होंने रेडियोलॉजी की सुविधा दे दी, यूरोलॉजी की दे दी, न्यूरोलॉजी की दे दी, गैस्ट्रोलॉजी की दे दी। तो हॉस्पिटल का कायाकल्प हो जाएगा और जो इलाज है यहाँ पे बेहतर इलाज संचालित होगा। जो नर्सिंग कॉलेज बननी है वो भी नर्सिंग कॉलेज भी बनने जा रही है। शहर के अंदर एक मुख्य सड़क भी दी है, पहले भी उन्होंने 2 बड़ी सड़कें शहर के अंदर दी है मुख्य समस्या पेयजल की। और रोइड के अंदर उन्होंने एक बड़ी रोड पाली से बालोतरा दो इंडस्ट्रियल सिटी को जोड़ती है वो रोड दी है, उप तहसील दी है जैतपुर के अंदर रोइड के अंदर। इस तरह से उन्होंने बहुत किया था। एक जो पाली की मांग थी वो थी लोगों को यहाँ पेयजल की मुख्य समस्या है और लोग ये चाहते थे कि जोधपुर से नई पाइपलाइन के द्वारा पानी पाली पहुँचे, तो बजट में ये नहीं हुई तो थोड़ा मलाल रहा। तो हम लोगों ने अप्रोच की और लगातार पिछले 3 साल से जिस दिन से मैं चुनाव हारा हूँ लगातार एक ही मामले को लेकर पीछे पड़ा हुआ था कि कैसे भी करके पाइपलाइन आ जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पाली की जनता को मान दिया, सम्मान दिया और उन्होंने बजट की रिप्लाई के अंदर 28 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत करते हुए जोधपुर से रोहिड तक और उसके बाद पाली तक की नई पाइपलाइन की घोषणा की। और मैं आपके मार्फत से पाली के शहरवासियों से भी ये बताना चाहता हूँ कि जो पाइपलाइन रोहिड तक आएगी वही पानी पाली पहुँचाएगी, क्योंकि पाली और रोहिड के बीच में पाइपलाइन लगी हुई है। आज भी रोहिड को पानी की सप्लाई पाली वाली पाइपलाइन से होगी और जब पाली में जरूरत होगी तो उसी पाइपलाइन से ये पानी यहाँ पाली पहुँचेगा। और ये बड़ी समस्या थी। क्या माना जा रहा है कि अप्रैल तक ये पाइपलाइन से पानी सुचारू, अप्रैल तक कैसे होगा ये तो आपको भी सोचना चाहिए। अभी तो घोषणा हुई बजट की, उसके बाद उसकी एफएस निकलेगी, एफएस के बाद टीएस निकलेगी और टीएस के बाद टेंडर कॉल होगी, टेंडर के बाद में काम शुरू होगा। वर्क ऑर्डर होने के बाद में समय लगेगा, लेकिन हम जो प्रक्रिया है जो लेती है लंबित प्रक्रिया वो लंबित नहीं होगी और जितना जल्दी हो सके उतने के अंदर हम चाहेंगे इसका वर्क ऑर्डर जारी करके काम शुरू हो जाए। ये कोई इस साल की समस्या नहीं है, पिछले 20 सालों से पाली के लोगों की मांग है। जिस दिन से जोधपुर पहले पानी भेजते थे यहाँ से जवाई का, तो ये परमानेंट।